हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो टॉपिक है वो अकाउंटेंट जॉब से लेकर है, बिकॉज बहुत से ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और डीएम में भी मुझे मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। और एक ही क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछे जाते हैं वो अकाउंटेंट जॉब से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, वो सफ़र कर रहे हैं, बट उन्हें जॉब कैसे मिले और क्या रीज़न है कि हमें जॉब नहीं मिल पाता, या फिर मैं क्या सीखूं जो मुझे जॉब मिल जाए और अकाउंटेंट में अपना करियर में ग्रो कर सकता हूं एज ए अकाउंटेंट, तो बहुत से कारण है, बहुत से ऐसे काम है जो हमें करना होता है एज ए अकाउंटेंट बनने के लिए, क्या सीखना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें, क्योंकि मेरी जो वीडियो रहती है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, बहुत ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बट उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि लोग उनको सजेस्ट कर सके कि ये करने से आप एक बेहतर अकाउंटेंट बन सकते हैं। बट मेरी जो वीडियो रहती है वो अकाउंटेंट बेस्ड वीडियो की, हाउ टू बिकम एन अकाउंटेंट और कैसे अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और मैंने क्या क्या फेस किए थे जब मैं अकाउंटिंग सीख रहा था सी ए फर्म में। आई एम स्टिल मैं वर्क करता हूँ सी ए फर्म के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं। और कैसे ग्रो करना है अकाउंटिंग फील्ड में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है सीखने के बाद, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग सफ़र करते हैं अकाउंटेंट जॉब को लेकर कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कैसे हम जॉब करें या फिर कैसे मिलेगी जॉब, ये सारे सवाल उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो एक बेहतर अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक बेहतर अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर अगर हम जाने, अगर हम किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम पहले ये समझते हैं कि हम सोचते हैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जॉब करने के लिए हमें टैली आ जाए, जैसे लाइक कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली है, बहुत से बिजी है, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मीन्स जो ज़्यादा यूज़ होता है कंपनी के अंदर छोटी बड़ी हो, जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है वो टैली है, टैली ERP 9, और अब प्राइम चलने लगा है जो मोस्टली, बट आई एम स्टिल यूज इन टैली। तो टैली प्राइम ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन लोगों का जो सेंस है वो सोचते हैं कि टैली सीख लेने से हमें क्या अकाउंटिंग की जॉब मिल सकती है, एज ए अकाउंटेंट पोस्ट पर हम किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। देखिए, टैली सीख लेने से हमें नहीं लगता कि आपको जॉब मिल सकती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सही माने में अकाउंटिंग का होना आना और सही माने में आपको अकाउंटिंग आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अकाउंटिंग में जो भी एंट्री पास होती है, जो भी हम फ्यूचर में काम करेंगे वो कैसे होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम इंटरव्यू में कहीं गए तो हमें ये नहीं दिया जाएगा कि आप टैली पे बैठो, आप हमें सिखाओ, आपको डेबिट एंड क्रेडिट के माध्यम से पूछा जाएगा कि परचेज के अंदर क्या चीज़ डेबिट होगा, सेल के अंदर क्या चीज़ क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ें GST में कैसे हम डेबिट क्रेडिट की एंट्री करेंगे या फिर हम कैसे TDS की एंट्री करेंगे, वो आपको ओरली बताना है। तो वो सब सारी चीज़ें करने के लिए आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक है वो सब आनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन होती है डेबिट एंड क्रेडिट करना सही जान जाए कि हमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है, तो अकाउंटिंग में हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ टैली पे काम कर सकते, वो आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। और मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैं टैली सीख लेता हूँ तो मुझे जॉब कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। देखिए, बहुत सी कंपनी होती है जो फ्रेशर को हायर करती है, मोस्टली कंपनी तो नहीं करती, बहुत सी कंपनी होती है जो मिनिमम कह सकते हैं हम कि बहुत सी ऐसी होती है जो फ्रेशर हायर कर सकती है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होता है। ये नहीं फ्रेशर मीन्स का आपको कुछ भी ना आए कि आपको सिखाया जाए किसी कंपनी में, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पे करेगी, आपकी सैलरी मंथली पे करेगी, तो आपको सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपसे काम लेने के लिए पे करेगी, राइट। तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि जैसा कि मैं बोला क्या क्या देखिए। और उसमें क्या होता है कि हम जब सारी चीज़ें सीख जाते हैं
फाउंडेशन जो जो भी, देखिए एक अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जो निचली सतह होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो मजबूत होती है, होनी है, होना चाहिए। और हम उसे अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए कि जितनी भी उसमें मटेरियल्स होते हैं, जो भी होते हैं, उससे किफ़ायती और उससे अच्छा हम उसमें मटेरियल डाल दें, क्योंकि फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी आपका बिल्डिंग उतना ही अच्छा होगा। तो मींस मेरा मत कहने का मतलब ये है, जितनी ही अच्छी आपकी अकाउंटिंग बेसिक होगी उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर होगा, राइट? आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस है आपको आनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि कोई बेस्ट जगह हो जहाँ पे अकाउंटिंग फील्ड की नॉलेज दी जाती है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सीए, क्योंकि वहाँ पर आपको अप टू डेट होना पड़ता है। ये नहीं कि आप सीए फर्म में ही जॉब करें, कहीं भी आप सीनियर अकाउंटेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं तो दी बेस्ट है, आपको लायर के अंदर किसी काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सीए फर्म कि सबसे टॉप होता है, मीन्स आप उसके पास सीए की अथॉरिटी होती है, कि ऑडिट की अथॉरिटी होती है, कि आप वो वहां तक भी सीख सकते हैं कि ऑडिट को कैसे फाइनलाइज करते, कैसे काम किया जाता है, और एज अ ऑडिटर, राइट? तो हालांकि आप ऑडिट तो कर नहीं सकते क्योंकि आप सीए नहीं है, तो सीए की इधर अगर आपको जॉब मिल रही है तो दी बेस्ट, बिकॉज वहां आपको बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा। अगर उस नॉलेज को आप इन्हेंस करते रहे डे बाय डे, तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा बेहतर अकाउंटेंट बन सकते हैं, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप फ्यूचर में कहीं जा रहे हैं, कहीं आप सोच रहे हैं कि जॉब करने के लिए फ्यूचर में, तो वहां भी आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जो काम आप यहाँ करेंगे वही काम आपको किसी कंपनी में करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो काम सीए फर्म में होता है, लाइव अकाउंटिंग होती है किसी कंपनी की, किसी फर्म की, किसी इंडिविजुअल की, वो सारी चीजें आपको वहां बताई, आपको वही करना है वहां पर काम, और वो काम यहाँ पे करना। अगर आपकी सैलरी बेस्ट है सीए फर्म में रहो, अगर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे कहीं और जाना है, किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में काम करना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, और वहां भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं क्योंकि आपको सब कुछ आता है यार। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिल्कुल फॉर मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।